पिछली वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग का यहाँ पर से इंट्रोडक्शन और कैसे स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट एडिटर भी देखा था, लेकिन आप ये ऑनलाइन भी जो है तो इसको ट्राई कर सकते हैं W3 स्कूल से। तो अब देखेंगे हम इसका सिंटेक्स कैसे होता है, कि हमने बहुत मरतबा ये तो देखा है कि उसका कोड कैसे आ रहा है, लेकिन आज हमको क्या देखना है कि एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके देखना है कि सब लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन नंबर 1 में जो हम लिख रहे हैं हर मरतबा हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है? ये हेडर फाइल की लाइब्रेरी है। दैट लेट्स लेट अस नो लेट अस वर्क, हम जिसमें काम करने दे रही है विथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। ये जो लाइब्रेरी है, फाइल की लाइब्रेरी, अगर हम इसको नहीं रखते, ये ट्राई इट यूर सेल्फ वाला हम चालू करेंगे, अगर हम इसको हटा देते, देखिए ये हटाने के बाद अगर हम रन करते तो देखते हैं क्या होता है। अभी डिस्प्ले तो आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें आएंगी उसके अंदर जो कि उसमें मिसिंग होंगे। तो वो चीज़ें क्या रहेंगी? विद इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन सच एज प्रिंट एफ। अभी देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ था, रन तो हुआ है, और उसको रखने में जब हम रखते हैं तो अभी फिलहाल सेम चल रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से इनपुट और आउटपुट के फंक्शन, जैसे कि प्रिंट एफ है जो लाइन नंबर 4 में यूज हुआ, ये प्रिंट एफ हेडर फाइल इसको क्या करता है, ऐड करता है फंक्शनैलिटी सी प्रोग्राम। तो इसमें क्या करता है वो हेडर फाइल, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ऐड करने सी प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक टिप है कि डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ, अगर आप अगर नहीं समझे अभी भी कि क्या होता है ये हैश इंक्लूड डॉट एच, तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज अपियर इन योर प्रोग्राम, कि ऐसा समझ लीजिए बिल्कुल दिमाग के ऊपर जा रहा है। तो इसको हमेशा रखना ही चाहिए पहले लाइन, जैसे आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर पे पेज नंबर वगैरह होता है। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ रहा कि इससे क्या होगा, तो आप हर बार उसको फिल नहीं करते रजिस्टर में कि पेज नंबर क्या है, डेट क्या है, लेकिन वो रहता है। तो सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि इसको ऊपर रहेगा, कहीं ना कहीं मिल जाए। दूसरा जो लाइन है हमारी वो क्या है, एक ब्लैंक लाइन दिखाई दे, बिल्कुल खाली। सी इग्नोर्स वाइट स्पेस बट वी श्योर इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। तो इसको हमने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम इसको रन करते हैं तो विदाउट ब्लैंक में भी रन कर लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी लाइन छोड़ी है या नहीं, या फिर सपोज सिस्टमेटिक नीचे लाइन में लिखा ही नहीं, अगर आपने इसको थोड़ा स्पेस दे के यहाँ पर भी लिख दिया। तो सी क्या करता है, ऐसे स्पेस को या फिर लाइन को इग्नोर करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर से अगर उसको हेडर के साथ में अगर ऐड कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा डायरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप ये लाइन को दो या मत, अब यहाँ पर अगर लिखेंगे तो देखिए डिस्प्ले का आउटपुट में फर्क आपको सेम दिखेगा, अगर उसको आप और इंटर करके 2-3 इंटर कर देते तो सी को ये फर्क नहीं पड़ता कि इसके नीचे आपने कितने लाइन स्पेस छोड़े, वो सबको देखता ही नहीं है। व्हाइट स्पेस उसके लिए वो ब्लैंक स्पेस है, व्हाइट स्पेस उसकी। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि सी इग्नोर कर रहा है व्हाइट स्पेस को, बट वी यूज, हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमको ये समझ में आए कि सिस्टमेटिक हो, थोड़ा सा सब खुला खुला और समझने में आसानी हो। जैसे कि जो ब्रैकेट है ना, इसको भी हम और नीचे लिखते हैं ताकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग समझ में आए, सिस्टमेटिक हुआ है ये हमारे नीड के लिए। तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिख रहे हो। तो ये क्लियर हो गया। तीसरी लाइन पर आते हैं, अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपियर इन सी प्रोग्राम, ये दूसरी चीज है जो सी प्रोग्राम में हमेशा आए, वो क्या है, मेन ये वाला, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, ये है फंक्शन। मेन जो है फंक्शन है, इंटीजर आप कभी रखते हैं उसके बाद में हम समझेंगे कि इंट वगैरह क्या होता है, लेकिन ये जो मेन होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मेन वाला पार्ट, इसको कहते हैं फंक्शन। एनी कोड इनसाइड इट कर्ली ब्रैकेट्स, इसको क्या कह रहे हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आप कर्ली ब्रैकेट में जो भी कोड लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए इसको छोटे ब्रैकेट में लिख देते, इसे ब्रैकेट तो अलग अलग किस्म के आते, तो हम चेक करते कि रन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर आपने इसको
मिस कर दिया और ये दूसरे ब्रैकेट दे दिए, तो ये भी नहीं हो रहा। ये देखिए कैसे आ रहा है, प्रिंट है हेलो वर्ल्ड, एरर आ गई। तो अब इसको हम कर्ली ब्रैकेट ये देंगे। तो अब देखते हैं, तो इस सिस्टमेटिक मतलब इसको रन कर लें। तो अब हमारे समझ में क्या आया कि कर्ली ब्रैकेट विल एग्जीक्यूटेड एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रैकेट। जो चौथी लाइन है प्रिंट है, ये एक फंक्शन है जो यूज होता है आउटपुट या प्रिंट करने टेक्स्ट को स्क्रीन का, मतलब हमारी स्क्रीन पर जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करना, मतलब शो करने। इन एग्जाम्पल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड, जैसे कि यहाँ पर जो आ रहा है ये जो डबल कोट है ना, डबल कोट के अंदर जैसे हमने कल देखा था, हम यहाँ पर लिखते हैं सर्च अजहरुद्दीन सैफ ऑन यूट्यूब। यहाँ पर जाकर आपको प्ले लिस्ट में सारे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में आकर ढूंढना है। तो अब देखिए ये आउटपुट आ गया, तो हमारे पास क्या है ये लाइन में कि आउटपुट देने के लिए काम में है। अब नोट है यहाँ पर एक कि एवरी सी स्टेटमेंट एंड होता है एक सेमी कोलन से, ये याद रखना है। मतलब अगर आपने सिर्फ कोलन लगा दिए यहाँ पर, सेमी कोलन ना लगाते हुए सिर्फ एक कोलन लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई। तो सेमी कोलन से इसको क्या याद रखना है हमको कि जो जो कोड लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी अंदर जो हम मेन के अंदर लिख रहे हैं तो वो चीजें क्या हो रही है, एवरी सी स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमी कोलन, ये याद रख। डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं आपके अगर एग्जाम है, द बॉडी ऑफ इंट मेन कुड ऑल्सो बी रिटर्न एस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे, इंट मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ड पूरा मिलाकर, मतलब एक लाइन। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि सी इग्नोर करता है वाइट स्पेस, ऐसे जरूरी नहीं कि आप चार लाइन में लिखो, एक लाइन में पूरा लिख दो। अब सपोज हम एक लाइन में लिख देते हैं तो ये भी लिख देते हैं ऐसे, और इसको भी इधर ला लेते हैं। अब रन करके देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। आप भले ही उसको पूरा एक लाइन में लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होता क्या है, इसको अलग क्यों कर रहे हैं कि आप सपोज आपने भूल गए कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट बंद करना, तो क्या हो गया, एरर आ गया। चलो ठीक है आपको याद आ गया, लेकिन आपने अगर यहाँ पर कोई कोड लिखना भूल गए या फिर कोई चीज़ जैसे एक्सेल में होता है ना, एक्सेल के अंदर एक लाइन में फॉर्मूला होता है तो भूल जाते हैं कि कॉमा लिखा है या नहीं, तो इसमें क्या हमारे पास में एक चीज़ ये है कि स्पेस प्री प्रोवाइडेड है, तो इसको हम अगर सिस्टमेटिक लिखेंगे, ये ब्रैकेट लिख लिया हम तो इसको और सिस्टमेटिक बनाएंगे। ये ब्रैकेट लिखा, इसको थोड़ा टैप दे के इधर लेकर आए तो समझ में आ गया यहाँ तक एक हो गया, इंटर लिया इसके नीचे ही आ गया, सेमी कोलन लेकिन इसके साथ आना चाहिए। तो अब समझ में आया, चेक करने में आसानी होती है कि सेमी कोलन मतलब बराबर लिखा है या नहीं, इसको इधर लिख दिया कि ये ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज हुआ। इसको और आसान भी बना सकते, देखिए प्रिंट टैप अगर लिखे इसको और टैप दबा दिए तो देखिए ब्रैकेट ओपन, इसको रन करके देखेंगे फिर सामने जो था। अब देखते हैं प्रिंट टाइप रन कर दिया, मतलब उसको साथ ही रहना जरूरी नहीं, स्पेस दे के देखते हैं ब्रैकेट के बीच। तो ये सब ट्राई करना है आपको, तो ये प्रैक्टिकल होगा आपका, प्रैक्टिकल सीखने मिले। इसको ऐसा करते हैं कि और एंटर करके देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि आप कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं, तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमको दोनों ये ब्रैकेट भी दिखे, हम इसको इंटर लिख के इधर कर देते और इसको ऐसे कर देते, तो देखते हैं कि क्या कोड रन होता है। तो ये भी रन हो गया, मतलब ऐसे स्पेस में भी हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आ गई। मतलब आपको जो मुनासिब है, ज्यादा इतना लेंदी करना भी जरूरी नहीं है, मतलब लेंदी अगर करने बैठे। अब ये इसको देखते हैं, अगर हमने इसको नीचे लिया तो क्या ये रन होगा, ये मिसिंग एरर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसके एग्जैक्ट साथ होना चाहिए डबल कोट, तो तब उसको रीड करेगा। इससे क्या समझ में आया कि ये ब्लू में आ गया, देखिए तो एग्जैक्टली कितना रन होना है तो इसके साथ होना चाहिए, भले आप इसके बीच में अगर ऐसी स्पेस रखेंगे तो स्पेस लेता है या नहीं वो देखेंगे, स्पेस लिया तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है, यहाँ पर वो स्पेस लेगा क्योंकि रन का पार्ट। लेकिन इतना समझ में आया कि ये एक लाइन में होना जरूरी है। अब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने में क्या है, टाइम भी जाएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि अच्छी चीज ये है कि आप उसको प्रिंट टाइप के साथ अगर ये स्टेटमेंट खत्म कर देते हैं यहीं पर, तो
आपको आसानी होगी कि एक लाइन में दिख जाएगा, एक लाइन कंप्लीट होगी और उसके नीचे जो है तो ये दूसरी लाइन ये स्टार्ट होगी, तो सेमी कोलन चेक करने में आएगा, सेमी कोलन बंद हुआ यहाँ पर, बंद हुआ और ये रन हो। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया। द कंपाइलर इग्नोर करता है वाइट स्पेस, हाउ एवर लाइन मेक्स द कोड मोर रीडेबल। रिटर्न जीरो एंड होता है मेन के फंक्शन के साथ, मतलब मेन का फंक्शन जो है तो रिटर्न जीरो एंड हो रहा है जो लाइन नंबर 5 में है। तो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग, मतलब ये मेन ओपनिंग अगर है तो ये रिटर्न क्लोजिंग है, ताकि मतलब क्या सपोर्ट मिले। जैसे अगर इसको हटा भी दिए अगर तो क्या होगा कि जब रन करेंगे सपोज इसको हटा दो तो ये रन करे तो ये रन हो जाएगा, लेकिन अब सपोज की सेम लेते हैं इसमें, यहाँ पर लेते तो अभी देखिए क्या हो गया। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, मतलब इसको मेन के साथ अगर ये चालू हुआ था कर्ली ब्रैकेट्स में तो वो एंड होगा। सपोज अगर हमको और एक आउटपुट लेना है तो यहाँ पर अगर उसको लिखते तो दो बार आता है कि देखते। तो देखिए क्या हुआ, सर्च अजहरुद्दीन ऑन शेख यूट्यूब, फिर उसके बाद उसने क्या किया सर्च को मिला दिया, सर्च क्या हो गया मिल गया इसी के साथ। उसी तरह से रिटर्न जीरो जो है यहाँ पर इसको कहीं पर रख कर देखते, अभी देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट देखिए डबल आ गई। कर्ली ब्रैकेट को निकालते हैं रन करते, अभी भी है एरर। इसको हटा देते हैं, इसके अंदर जो रिटर्न जो लिखे हैं इसको कंट्रोल जेड यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको वैसे ही ला लेते रिटर्न जीरो। अभी देखिए क्या एरर हुई, हमने जो लिखा था उसमें जीरो के पहले स्पेस नहीं आया था तो इतनी स्पेस भी नहीं करेगा, तो उसके बाद होना चाहिए रिटर्न स्पेस जीरो। अब रन करते तो अब क्या हो रहा है, क्या बता रहा है एरर, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और बिफोर टोकन। अब देखिए यहाँ पर हमको समझ में आया कि यहाँ पर एक ओपन और क्लोज डबल आ गए, तो ऐसा डबल भी नहीं चलेगा। अब चेक करते हैं, अब देखिए एक ही है, तब देखिए क्या हो गया, अजहरुद्दीन शेख ऑन यूट्यूब एक ही रन हुआ रिटर्न, क्योंकि इसने यहाँ इसको क्लोज कर दिया तो क्या हो गया इसको उसने स्टॉप कर दिया अगला टीम। मतलब इसको अगर 3 बार लिखते सपोज प्रिंट है, ये सारी प्रैक्टिस आपको करना है, ये जो जो आपको चीज़ें बता रहे हैं तो सारे प्रैक्टिस करना है इसकी। 4 बार लिखते हैं तो देखते हैं कि क्या एक भी रिटर्न होता है कि चार, देखिए एक ही ले रहा है क्योंकि रिटर्न कर दिया ना वाइड, तो इसका हमको यूज समझ में आ गया। अब रिटर्न हटाते या फिर रिटर्न को लिख देते और लास्ट में, रिटर्न अगर लास्ट में लिख देते तो देखिए कंटिन्यूअस में आ गया। अब इसका अगला हम जब पढ़ते हैं ना तो जब उसको बी आर ब्रेक वाला देखना पड़ता, मतलब अगर उसको एक लाइन के नीचे अगर लेना है ना तो बी आर स्लैश जो है इसको हम आगे देखेंगे बी आर का जो है, तो बी आर टाइप में एक स्लैश आता है जो नीचे की तरफ में स्टेटमेंट लाता है जिसको हम आगे देख ले। अभी देखिए जीरो का ही समझ में आ गया कि मल्टीपल टाइप पे लिखेंगे और हटा देते हैं तो उसका यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब कि डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, जैसे हमने अभी ट्राई कर लिया कि आप अगर भूल जाते हैं तो एक्चुअल फंक्शन रन नहीं होगा, अगर एंडिंग अगर आप नहीं करते तो फंक्शन देखिए इस तरह से एरर ला ले। उसी तरह से अब एक्सरसाइज है, अब यहाँ पर आपको उससे बताना है कि इसमें मिसिंग पार्ट क्या है। बोलिए इंट यहाँ पर क्या आता है, मेन मेन आता है मेन, तो यहाँ ऐसे लिखना है मेन मिसिंग पास, ऐसी एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अब यहाँ पर क्या आएगा फिर, क्या था बोलिए, उसको ऐसा सबमिट आंसर करेंगे तो क्या बताएगा, शो आंसर भी आ जाए हाइड आंसर, सबमिट
सबमिट अगर करना है, सबमिट करेंगे तो नॉट करेंगे, क्लिक हियर टू ट्राई अगेन, तो ये एक्सरसाइज है, ये मेल लिख दिए, ये इसमें आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, प्रिंट ऐप लिखे आप इसको किए सबमिट, करेक्ट। नेक्स्ट कमेंट्स जो होते हैं लाइन में, तो ये एक्सरसाइज अभी कहाँ चले गई, दूसरे ब्लॉक में चले गई, तो अभी इसको रहने देना स्टेटमेंट वाले, तो इतनी एक्सरसाइज करना है, नेक्स्ट करने की उसको जरूरत है। तो यहाँ पर हमारे खत्म होता है कि प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग द कोड, जिसको सिंटैक्स कहेंगे, अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। तो जब भी एग्जाम में भी आता है राइट अ सिंटैक्स ऑफ सी, तो सिर्फ सिंटैक्स पूछा तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसने कोई प्रोग्राम बोला है तो वो सारी चीज सिंटैक्स से चालू होती है। जैसे मिसाल के तौर पर घर बनाना है तो उसमें चार कॉलम वगैरह मिनिमम बेस लगेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसके ऊपर आप पूरा कोड मतलब 10 पेजेस का भी बना सकते हैं, फिर 5 पेजेस का बना सकते हैं, लेकिन ये उसके अंदर ये चीजें रहेंगी और उसका क्या टाइप था, तो हमने ये सीख लिया, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। थैंक यू।